इस COVID-19 की महामारी ने हम सबसे बहुत कुछ छीन लिया है, पर सबसे बड़ी चीज ये कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ ले गया जिनसे इस देश की पहचान बनती है। हाँ, April 30, 2021 हर साल की तरह एक आम दिन होता, पर ये नहीं रहा। ये दिन हमसे दो बड़े दिग्गजों को छीन लिया जिनसे हमारी देश की शान बनती है। इस देश की शान वुमेन एम्पावरमेंट की सच्ची एग्जाम्पल चंद्रो तोमर को इस दिन हमसे छीन लिया गया, जिसको हम शूटर दादी के नाम से जानते हैं, जिनको इसी हफ्ते COVID-19 के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया था और वो अपने लाइफ के 89 ईयर इस देश के नाम करके हम सब से विदा ले गई। जिस एज में हम सब अपने लाइफ से थक चुके होते हैं, जिस एज में हम सब रिटायरमेंट के कगार पर होते हैं, उस एज में शूटर दादी ने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया था। शूटिंग के वजह से हमारे देश की नाम रोशन कर रही थी। ये इंसान सच में वुमेन एम्पावरमेंट की सच्ची मिसाल है, जिनको हमें इस तरह तो खोना नहीं चाहिए था, पर मैं सोचता हूँ वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन के जिंदा रहेगी। इस देश के वुमेन को हर वक्त ये बोलती रहेगी कि आप किसी और से अलग नहीं हो, आप भी वो कर सकते हो जो हर एक मेल अपने लाइफ में कर सकता है, यही आशा मैं रखता हूँ। ये अप्रैल 30 हम सब से एक और बड़े इंसान को छीन लिया जो टीवी मीडिया के जगत के एक बड़े नाम थे, रोहित सरदाना। बस 41 ईयर के एज में पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते हार्ट अटैक के वजह से उनकी मौत हो गई। पता नहीं ये कोविड हमसे और क्या क्या छीन लेगा। रोहित सरदाना के थिंकिंग आइडियोलॉजी को हम कितना भी क्रिटिसाइज करें, कितना भी अपोज करें, पर इंसान के तौर पर शायद ही उन्हें कोई मानता ना हो। रोहित सरदाना ने बहुत बार इस देश की बात की है, इस देश की आम इंसान की बात की है, इसी वजह से रोहित सरदाना की मौत भी कभी बेवजह नहीं जाएगी। ये उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होंगे जो हमेशा देश की बात करते हैं। उनको चाहे हम कितना भी क्रिटिसाइज करें, पर एक इंसान के तौर पर उन्हें सम्मान देना चाहिए। एक बड़े जर्नलिस्ट, हमारे देश के चौथे पिलर के एक बड़े नाम के तौर पर वो हम सब में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज ये दो बड़े नाम हम सब से ये सिखा गए कि मौत कभी भी आ सकता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस मौत के आने से पहले आपने क्या किया था, उसी से आपके नाम को मौत के बाद भी याद रखा जाएगा, वरना आप वैसे ही मर जाएंगे और आपको याद रखने वाला, आपके बाद आपको याद करके रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये दो बड़े घटनाओं के बाद हमें ये माननी पड़ेगी कि COVID-19 का सिचुएशन इंडिया में कितना बड़ा है। हमें COVID-19 से डरना चाहिए, हम सबको मिलके लड़ना चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर सवाल पूछनी चाहिए और गवर्नमेंट को हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का सामना करना चाहिए। लोगों की आवाज को बंद करने की गवर्नमेंट की कोई भी अधिकार नहीं है, और मैं आप सब से यही विनती करता हूँ, गवर्नमेंट को हेल्थ के ऊपर, मेडिकल के ऊपर सवाल पूछना शुरू करो, उसको हर एक चीज़ में सपोर्ट करना बंद करो।